वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसिपीज विद गजल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें रेसिपीज विद गजल। हम आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर आते रहते हैं। चलिए आज बनाते हैं मटर पुलाव। और मटर पुलाव बनाने के लिए मैंने लिए हैं ये 3 पाव चावल और उन्हें अच्छे से वॉश करने के बाद पानी में भिगो दिया है और ये चावल 1 से 1.5 घंटे में फूल जाएंगे। और ये हमने 1/2 किलो मटर ली है और इसे भी हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो चलिए अब मसाला तैयार करते हैं जो हमें मटर पुलाव के लिए बनाना है। तो हमने 1 बड़ा प्याज लिया है और ये 2-3 अदरक के टुकड़े लिए हैं और ये लहसुन, और इन सब को हमें बनाना है पेस्ट। तो सबसे पहले हमने इसे इस तरह से कट कर लिया है और फटाफट से इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो चलिए हमने वो पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब लेते हैं हम ये गरम मसाला जिसमें हमने तेज़पत्ता, जीरा, काली मिर्च, लौंग और इलायची और 2 हरी इलायची ली हैं और 1 बड़ा प्याज है जिसे हमने इस तरह से लंबाई में कट कर लिया है। आप एक बार इस तरह से मटर पुलाव बनाकर ज़रूर देखना, ये बिल्कुल वेज बिरयानी की तरह लगता है। और तेल गरम हो गया है, मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है और इसमें सबसे पहले हम ये प्याज डालेंगे और प्याज को बहुत हल्का सा फ्राई करना है। बस प्याज की खुशबू आने तक हमें इसे फ्राई करना है। मैंने ये रिफाइंड ऑयल लिया है और ये 2 बड़े चमचे हमने रिफाइंड ऑयल लिया है। 1 से 2 मिनट में ही प्याज की खुशबू आने लगी है तो फटाफट से हम इसमें गरम मसाला डाल देते हैं जिसे हमने पहले से ही निकाल कर तैयार किया हुआ है। और गरम मसाला डालने के बाद जब हम इसे मिक्स करते हैं तो बस गरम मसाले की भी खुशबू आने लगती है, ये देखिए। और बस हमें इसे ज़्यादा देर नहीं चलाना है। उसके बाद फटाफट से ये लहसुन, अदरक और प्याज का जो हमने पेस्ट बनाकर तैयार किया है इसे हम इसमें डाल देंगे। हाँ, इसे थोड़ा सा भुनने में टाइम लगेगा और ये हमें 5 से 10 मिनट आराम से लग जाता है। तो चलिए, हमने ये मसाला डाल दिया है और फटाफट से अब हम ये नमक इसमें डाल देते हैं। मटर पुलाव खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और बच्चे इसे बहुत शौक से खाते हैं। और जो लोग नॉनवेज नहीं खाते वो इस मटर पुलाव को खाएंगे, बिल्कुल वेज बिरयानी है। क्योंकि हम इसमें गरम मसाला डालते हैं और गरम मसाले की खुशबू इसको बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती है। चलिए, हमने इसमें नमक डाल दिया है और बहुत थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है और बस इसे लगातार चलाते हुए हमें बहुत अच्छे से भून लेना है। और ये देखिए, भुन गया है, अभी हाफ ही बना है। तो हम इसमें हरी मिर्च ऐड करते हैं जिसे हमने लंबाई में और बीच से कट किया हुआ है, क्योंकि मटर पुलाव बना रहे हैं तो थोड़ा सा तो स्पाइसी बनाना ही है ना। तो हम इसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे और ये हरी मिर्च हम थोड़ा सा लेट डालते हैं, स्टार्टिंग में डालेंगे तो बहुत ज़्यादा गल जाती है। तो चलिए, हमने इसमें हरी मिर्च डाल दी है और बस उसके बाद अभी हमें इसे 1 से 2 मिनट और भूनना है। और फटाफट से हमने जो मटर वॉश करके रखी हुई है वो मटर इसमें ऐड कर देंगे और वही प्रोसेस करना है। मटर ऐड करने के बाद भी हमें इसे और अच्छे से भूनना है। और मटर डालने के बाद जब आप इसका खुशबू देखते हैं तो वो भी काफ़ी चेंज हो चुकी होती है, क्योंकि अब मटर की और गरम मसाले की और साथ ही साथ लहसुन और अदरक की खुशबू सब मिक्स हो जाती हैं और बस ऐसा लगता है कि बस वेज बिरयानी बनने ही वाली है। तो चलिए, इसे बहुत अच्छे से भून कर तैयार कर लेते हैं। और जैसे ये भून जाएगा तो तब हम इसमें चावल डालेंगे। 5 से 10 मिनट हो गए हैं और मसाला भुनकर अच्छी तरह से तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं, जब हम इसे चमचे में ऐसे देख रहे हैं तो तरी ऊपर आ रही है और मसाला नीचे बैठ चुका है। तो बस हमारा ये मसाला भुनकर तैयार है और बस अब हम इसमें चावल ऐड करते हैं जिसे हमने पहले से ही भिगोया हुआ है। तो बस फटाफट से करते हैं इसमें चावल ऐड और अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े गिलास पानी। हमें ये इस तरह से मेज़र करना है कि हमें ये 1.5 घाट पानी रखना है। आप इसे चमचे से मेज़र कर सकते हैं। और अच्छे से मिक्स करने के बाद का नमक भी अच्छे से टेस्ट कर लें। अगर नमक इसमें कम लगता है तो नमक और ऐड कर दीजिएगा। हमें इसमें नमक थोड़ा सा ज़्यादा रखना होता है ताकि बनने के बाद वो एकदम से फिट बैठे, मतलब जब आप चखेंगे तो थोड़ा सा वो तेज़ होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं, बस थोड़ा सा तेज़, ताकि बनने के बाद वो एकदम से परफेक्ट बैठता है। और ये देखिए, 1.5 घाट पानी भी इसमें डल गया है। तो बस अब हमें क्या करना है कि कुकर का ढक्कन लगा देना है और सिर्फ वेट करना है। जी हाँ, वेट करना है हमें।
15 से 20 मिनट, यानी कि हमें 2 सीटी लेनी है इसमें। और 2 सीटी के बाद जब हम कुकर का ढक्कन हटाकर देखेंगे तब हमारे चावल परफेक्टली बनकर तैयार हो चुके होंगे। और ये देखिए कुकर में सीटी आ रही है, तो बस 2 सीटी आने देते हैं और उसके बाद हमने 5 मिनट के लिए इसे गैस ऐसे ही बंद रहने दिया है। और अब हम इसका ढक्कन हटा कर देखते हैं कि हमारे चावल बनकर तैयार हो गए हैं। और माशाल्लाह इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और ये देखिए वाओ, बहुत अच्छे मटर चावल बनकर तैयार हुए हैं। और ये देखिए चावल देखकर अंदाज़ा हो रहा है कि चावल बहुत अच्छे से गल गए हैं और मटर भी अच्छे से गल चुकी है। ये देखिए आप देख सकते हैं और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो बस हमारे मटर पुलाव बनकर तैयार हो गए हैं। और इसके साथ हमने टमाटर की चटनी पहले से ही तैयार करके रखी हुई है, तो बस अब हम इसे प्लेट आउट करते हैं। तो बस आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मटर पुलाव की रेसिपी यानी कि वेज बिरयानी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। और तो चलिए कि गर्मा गर्म मटर पुलाव एंजॉय करते हैं और आप भी हमारा वीडियो देख के एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।